हेलो गाइस, तो आपने थंबनेल वगैरह या फिर टाइटल देख लिया होगा वीडियो का कि क्यों मैनुअल टेस्टर को कम सैलरी मिलती है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और कौन से स्किल्स है, बहुत सुनने को मिलता होगा कि स्किल सीखो स्किल सीखो, कौन से स्किल सीखे कि ताकि हम एक अच्छे हैंडसम तरीके की सैलरी हम अचीव कर सके 2025 के एंड तक। तो वो हम इस वीडियो के अंदर पूरा डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और चलो वीडियो को हम अपना स्टार्ट करते हैं। कैसे मैनुअल टेस्टिंग को क्यों सैलरी कम मिलती है और कौन से स्किल पर आप वर्क कर सकते हो ताकि एक अच्छी जॉब के ऊपर आप लैंड कर सको। तो मैंने ना इस वीडियो के अंदर पॉइंट्स फॉर्म में अपनी चीजों को एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा मैनुअल टेस्टिंग के अंदर क्यों सैलरी कम मिलती है। सबसे पहला रीजन है लो अपॉर्चुनिटी का होना 2024 से 25 के अंदर। कोई भी आप जैसे Naukri.com पर, लिंक्डइन पर या कोई भी वेबसाइट Indeed.com पर जब आप जाते हो तब आप देखते हो कि मैनुअल टेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज कम है एज कम्पेयर टू ऑटोमेशन। इसके पीछे यही रीजन है कि जो कंपनीज हैं उनकी थिंकिंग ये रहती है, अगर मैं ऑटोमेशन को हायर करूंगा या करूंगी तो उससे क्या होगा कि वो बंदा मैनुअल भी वर्क कर लेगा और ऑटोमेशन भी कर लेगा। लेकिन अगर मैं मैनुअल को हायर करूंगा तो वो ऑटोमेशन करने की उसकी पॉसिबिलिटी कम है। तो इसीलिए कंपनी ये सोचती है कि मैं ऑटोमेशन के बंदर को हायर करूंगी ताकि वो दोनों तरीके के वर्कलोड को हैंडल कर सके। तो एक तो मेन रीजन ये है कि इसलिए अपॉर्चुनिटीज आज को कम देखने को मिलती है 2024 या 25 आने आने वाले वाले फ्यूचर के अंदर भी मैनुअल की एज कम्पेयर टू ऑटोमेशन। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटीज कम है। अपॉर्चुनिटीज कम होने की वजह से कोई कंपनी के अंदर हसल ज्यादा नहीं रहने वाली किसी बंदे को हायर करने के लिए। तो इसीलिए है ना कंपनी क्या सोचती है कि मैनुअल टेस्टिंग को आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ना मिलने की वजह से आपको क्या करते हैं, इसलिए कम पे हायर रखती है ताकि कोई बंदा स्विच करना चाहेगा तो उसको कम में ही वो मिलेगी नेक्स्ट स्विच। तो इसलिए ना कंपनियां सोचती है कि जब वो स्विच ही नहीं करना चाह रहा था नेक्स्ट के अंदर तो क्यों ही उसके ऊपर ज्यादा बर्डन दिया जाए, इसलिए उसकी सैलरी को भी कम रखा जाता है एज कंपेयर टू ऑटोमेशन टेस्टर। सेकेंड, अगर आपने ना कुछ ऑटोमेशन वगैरह सीखना है तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे बंदों को सिखाया है, चाहे वो ड्यूकेट के स्टूडेंट हो। यूट्यूब पर मैं प्लेलिस्ट डाल ही रहा हूँ, इसके अलावा मैं ऑनलाइन खुद भी लोगों को पढ़ाता हूँ। अगर आप चाहे तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा मेरे टॉपमेट से कनेक्ट करने का, या फिर एक डायरेक्ट नंबर फ्लैश होगा उस नंबर पर आप मुझे चाहे तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल 1-2 महीने के लिए मेरे बैचेस वगैरह मैं टाइट हूँ, उसके बाद मैं एक नया बैच स्टार्ट करूंगा वो मैं कम्युनिटी के अंदर डाल दूंगा। ऐसे ही मेरे चैनल के अंदर कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और कम्युनिटी टाइप की जो भी मैं आपको अपलोड करूंगा उसके अंदर की नया कोर्स में क्या स्टार्ट करने वाला हूँ ऑटोमेशन से रिलेटेड। एनहेंस योर स्किल वाई, अब आपको सुनने को बहुत मिलता होगा कि अपने स्किल्स को एनहेंस करो मैनुअल टेस्टिंग के लिए, बहुत सुनने को मिलता होगा। क्यों ऐसा लोग बोलते हैं? पहला इसका मेन रीजन है लो सैलरी। देखो जितने कम स्किल सेट होंगे उतने कम चांसेस होंगे कि आपको सैलरी ज्यादा मिलेगी। तो यही रीजन है पहला, तो कि जब आप स्किल्स सीखोगे तो आपकी सैलरी हाइक के अंदर ज्यादा चांसेस रहते हैं। स्किल्स कुछ भी हो सकते हैं, मैं इस वीडियो के अंदर आगे ही बताऊंगा कि कौन से स्किल्स के ऊपर आप वर्क करते हैं। आपने बहुत सुनने को मिला होगा कि स्किल पे वर्क करो स्किल पे वर्क करो, कौन से स्किल्स की बात हो रही है, मैं इसके अंदर ही बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। दूसरा, जो स्किल्स है ना वो लोअर लेवल को सेट करता है, कि मतलब जो लोअर लेवल के स्किल सेट होंगे उसको लोअर लेवल की पेमेंट, जितने हायर लेवल के स्किल सेट होंगे उतने हायर लेवल की पेमेंट। एक तो ये रीजन हो गया। थर्ड रीजन, बोरिंग वर्क। अब क्या होता है मैनुअल वर्क है ना, अब रिपीटेटिव होता है, और रिपीटेटिव की वजह से ना आप मिस्टेक्स बहुत करते हो। जैसे मान लो एक आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने को आपको एक ही फॉर्म भरते हो या आपने उसके अंदर 50 मिस्टेक निकाली, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आपको फॉर्म भरोगे सेम फॉर्म आपके लिए आपको थोड़ा अजीब लगेगा, फिर वही फॉर्म मान लो थर्ड टाइम फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम, तो आप मिस्टेक करना स्टार्ट कर देते हो क्योंकि आपको बोरिंग लगने लग जाता है। तो जो वर्क बोरिंग होने लग जाता है उसके लिए कंपनियां क्यों ज्यादा पैसा प्रोवाइड करेगी, तो एक मेन रीजन ये भी है कि आपको स्किल सेट आना चाहिए और ताकि बोरिंग वर्क आपको ना फील हो। फोर्थ, जॉब सिक्योरिटी। अब जितने कम स्किल सेट होंगे आपके अंदर तो आपके पास जॉब सिक्योरिटी की चांसेस कम रहती हैं एज कंपेयर टू ऑटोमेशन टेस्टर, क्योंकि ऑटोमेशन टेस्टर की डिमांड ज्यादा है तो
डिमांड ज्यादा है, जैसी बात है, उसके पास जॉब सिक्योरिटी एज कम्पेयर टू मैनुअल ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि उसके पास ज्यादा स्किल्स है। ठीक है, तो ये तीन मेन रीजन है आपको एनहेंस करने चाहिए अपने स्किल्स के लिए, कि आपको कम सैलरी मिल रही है, आपके स्किल सेट इंप्रूव नहीं हो रहे, आप लोअर स्किल सेट पे ही रह पा रहे हो, एक ही वर्क बार बार बोरिंग कर वर्क कर रहे हो, जॉब सिक्योरिटी का नहीं है। तो इस चीज को दूर करने के लिए अब हम वर्क करेंगे कि कौन से स्किल्स है जिसके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। तो सबसे पहले है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करना है सबसे पहले आपको। कम्युनिकेशन का मतलब मेरा ये है कि आपको इंटरेक्शन करके देखना है लोगों के साथ, कि आप अपनी बात को ज्यादा रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे। जो आपने रियल टाइम में चैलेंजेस फेस किए हैं मैनुअल टेस्टिंग के अंदर, वो आपने सही तरह एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। जैसे आपने कोई अपने क्या तरीके के चैलेंजेस फेस किए, इसका मैंने पूरा क्वेश्चन का आंसर भी दिया है मैनुअल टेस्टिंग के अंदर, तो उसको जाके देख लीजिएगा। कम्युनिकेशन के अंदर आप इंग्लिश के अंदर प्रॉपर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, इसके लिए आप क्या करें, आप शीशे के अंदर ट्राई करें कि अपने आपको बोल बोल के देखें कि मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरा फेशियल एक्सप्रेशन है। तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि इंटरव्यू में कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। तो सेकेंड है सर्टिफिकेशन, अगर आप मैनुअल टेस्टर हो तो आपके पास ISTQB का फाउंडेशन लेवल का एटलीस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो सर्टिफिकेशन के लिए पढ़ना स्टार्ट करो आप, क्योंकि इस साल के एंड तक आपका मेन टारगेट रहेगा कि 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आप एक ISTQB का फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेट खरीद लो। अगर आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है तो बहुत ही अच्छा, अगर नहीं करती तो आपको खुद से परचेज करके रखना चाहिए एक ISTQB सर्टिफिकेशन, उसके लिए अपने ऊपर वर्क करोगे ये वाला स्किल। थर्ड है हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग से मेरा मतलब क्या है, देखो नेटवर्किंग से मेरा मतलब है कि आप प्लान बनाइए कि मुझे है ना लिंक्डइन के अंदर इतने बंदों के साथ कनेक्ट करना है इस within 1 quarter, और फिर उनसे जितने भी HRs हैं उनसे जो भी अपॉर्चुनिटीज होती है वो एक रेफरेंसिंग की तरह एक्ट करें। क्योंकि इंटरव्यू के अंदर मैंने बहुत देखा है कि रेफरेंसिंग बहुत ज्यादा काम आती है, कि कोई बंदा इसके अंदर काम कर रहा है तो उसको रेफर करता है, और ज्यादातर चांसेस होते हैं कि रेफरेंस को प्रेफरेंस दी जाती है कंपनीज के अंदर एज कम्पेयर टू कोई दूसरा बंदा। तो इसलिए बोला जाता है कि रेफरेंस बना के रखो, नेटवर्क बनाओ अपना। थर्ड आप अलग का वर्क करोगे आप स्किल्स के ऊपर, कि आपको नेटवर्क बनाने हैं लिंक्डइन पर या फिर Naukri.com पर, लोगों के साथ कनेक्ट करना है, फॉलोइंग रिक्वेस्ट करनी है। तो आपका ये एक सेकंड थर्ड स्किल्स के ऊपर आप वर्क करोगे इस साल। फोर्थ, कोई भी जो नई अपॉर्चुनिटीज वगैरह आती है उसके लिए आप कोशिश करेंगे कि आप इंटरव्यू देते रहे, चाहे वो manual.com मैनुअल की हो, चाहे वो ऑटोमेशन के लिए हो। तो आप टारगेट रखें कि हर तीसरे वीक एक इंटरव्यू देना है ऑटोमेशन के लिए या फिर मैनुअल प्लस ऑटोमेशन के लिए। और दूसरा एक है ना, Naukri.com पर एक नया फीचर आया है वीडियो बनाने का, कि अपने वीडियो रिलेटेड प्रोफाइल बना सकते हो ताकि और ज्यादा रिक्रूटर को अच्छा वो मिल सके, अपॉर्चुनिटीज के बारे में एक्ट कर सके, चाहे वो लिंक्डइन हो, Naukri.com पर हो, इंडीड हो, इन सब पर आप एक नया वीडियो बनाइए अपनी, कि आप ऑटोमेशन मैनुअल टेस्टर कैसे वर्क करते हो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन, और हर तीसरे हफ्ते या फिर हर 4 हफ्ते के अंदर एक इंटरव्यू ऑटोमेशन का जरूर दिए। उससे सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके पास आएंगे कि कौन से मार्केट में ट्रेंड चल रहा है ऑटोमेशन के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं आजकल। तो जब आपको है ना ये सब कर लोगे, आप कम्युनिकेशन अच्छी हो गई, आपकी सर्टिफिकेशन आपके पास आ गया, नेटवर्क्स बन चुके हैं, आप अलग अलग हर तीसरे वीक में इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू का कलेक्शन है, तो आप है ना अपने आप से अंदर आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर आपको लगने लगेगा कि मेरी सैलरी अब इंक्रीज होनी चाहिए, तो वो अपनी वर्थ ज्यादा पहचानने लगोगे आप। तो ये स्किल्स भी ऑटोमेटिकली, जब आपको वर्थ आपको पता लगने लगे तो आपकी सैलरी भी जब आप स्विच करोगे तो बहुत ज्यादा हाई मिलेगी। ठीक है, मैं अपना एक एग्जांपल लगे बताता हूँ, कि जब मैं विप्रो में था तब मेरा बेस पैकेज 3 पॉइंट कुछ के आसपास था, जब मैंने मैनुअल से ऑटोमेशन के अंदर स्विच किया तो लगभग मैंने 130% के आसपास हाइक ली थी। और उसके अलावा उसके बाद जब मैं था एरिस्टोक्रेट से, फिर एरिस्टोक्रेट से जब मैं दूसरी कंपनी के अंदर गया उसके अंदर मैंने 120% के आसपास हाइक ली थी। तो सैलरी इंक्रीमेंट हुआ क्योंकि मेरे को मेरा वर्थ पता था, कि मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है और मेरा इतने ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, मुझे इतना मिल सकता है। तो आप वर्क करोगे सैलरी इंक्रीमेंट के लिए, अपनी वर्थ पहचानोगे। ठीक है, उसके बाद एक है ना अपने गिटहब पे प्रोफाइल बनाना ऑटोमेशन के परस्पेक्टिव से, कि आपने अलग अलग रेपोज बना रखी है, चाहे वो सेलेनियम की हो, चाहे वो REST API की, चाहे इन दोनों की कम्बिनेशन वाली हो, और उसको अपना लिंक अपना रिज्यूमे के अंदर ऐड करना है आपको। उससे क्या होगा कि आपको जेन्युइन लगोगे कि आपने ऑटोमेशन के ऊपर अच्छा वर्क किया है, आपको गिटहब की भी नॉलेज है, गिटहब पुश के बारे में पता है, गिटहब पुल के बारे में पता है, गिटहब की बेसिक नॉलेज पता है, क्योंकि ऑटोमेशन के अंदर गिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल की तरह एक्ट करता है।
तो वो भी आप एक सीखोगे गिटहब के बारे में। गिटहब का आपने नहीं देखा है तो मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बताया है कि गिटहब के अंदर रियल टाइम के अंदर ऑटोमेशन क्या करते हैं, तो वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, एक इमेज आपको दिख रही होगी आपके सामने, उसको जाके देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। और अगर आपको ये सब अच्छे लग रहे हैं मेरे पॉइंट तो वीडियो के अंदर कमेंट करना आई विल लर्न ऑटोमेशन बाय दिस ईयर फॉर श्योर, तो ये जरूर मुझे कमेंट के अंदर लिखना, इससे मुझे पता मोटिवेशन मिलती रहेगी कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी है और आपने इस स्किल्स के ऊपर आप खुद से वर्क करोगे या आपको अंदर से आनी चाहिए। तो ये तो था मैनुअल टेस्टिंग के अंदर क्यों कम पैसा मिलता है, हम किस स्किल्स के ऊपर इस साल वर्क कर सकते हैं ताकि हमको अच्छी जॉब के अंदर मिल सके। तो ऐसे ही टेस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा नोटिफिकेशन जारी पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के दौरान, बाय बाय गाइस।